नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह 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 के हालांकि 7:30 बज रहे हैं और आप अगर दिल्ली में बाहर निकले तो आपको जमने वाली यहां पर हालत महसूस होगी। दिल्ली में इस वक्त जैसे बर्फीली हवा बह रही है। एक दिन पहले दिल्ली का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। आज भी दिल्ली में सर्दी का सितम लगातार जारी है। उधर कश्मीर से लेकर उत्तराखंड हिमाचल तक में बर्फ ने इलाकों को जमा दिया है। भारी बर्फबारी से मैदानों में शीतलहर का कहर है। उत्तर भारत के तापमान भी और तमाम शहर भी दिसंबर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी को झेल रहे हैं। आपको हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड और हिमाचल में तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, इन सभी इलाकों में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा सिंगो बॉर्डर से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, जानना चाहेंगे, एक तरफ प्रचंड ठंड यहां पर बढ़ रही है, लगातार तापमान गोते लगा रहा है, दूसरी तरफ जहां पर आप खड़े हैं वहां पर किसान भी डटे हुए हैं। इस वक्त वहां क्या तस्वीर? यहां की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए, सामने सुबह का वक्त है, चाय का लंगर चल रहा है। चाय पीने के लिए किसान लोग अपने जो जहां भी सो रहे थे वो सब लोग पहुंचे हुए हैं और इस तरीके के एक नहीं, कई सारे लंगर लग रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, जमीन पे बिछाने के लिए यहां पर दरियां भी पहुंच चुकी हैं ताकि जब अब कुछ देर के बाद जब यहाँ पे प्रोग्राम शुरू होगा तो लोग यहाँ पर बैठेंगे। पूरी रात जो यहाँ पर आप सामने टेंट देख रहे हैं, इस टेंटों में दूसरी तरफ हम अपने कैमरामैन से कहेंगे दूसरी तरफ दिखाएं, जो टेंट आप देख रही हैं ये टेंट है या फिर जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां जिसको अपना बेडरूम की तरीके से उसको बनाने की कोशिश की गई है, इनमें सारे किसान रात भर अपनी रात बिताते हैं। और उस दौरान कई सारे किसान ऐसे होते हैं जो लगातार पहरा देते रहते हैं, इस पूरे इलाके पे नजर रखते हैं। और जो हमारी बात हुई किसानों से, उनका ये कहना है कि उनकी लगातार नजर रहती है, खास तौर से चोरी की कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं, उनसे उनको बचाना है। दूसरा, एक बैज भी यहाँ पर अब कुछ लोगों को दिया गया है ताकि वो नजर रखें कि बाहरी कोई यहाँ पर एंट्री ना कर सके। और ठंड को लेकर के जब हमने किसानों से बात किया तो उनका ये कहना है। बिल्कुल, इस बीच हम तस्वीरें जरा दिखा देते हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में उसका असर देखने को मिल रहा है। आपको हम दिखा रहे हैं उत्तराखंड में उत्तरकाशी, मंडी, पिथौरागढ़ की तस्वीरें और साथ ही हिमाचल की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन इलाकों में अगर आप तस्वीरें देखें तो बर्फ की मोटी चादर यहां पर बिछी हुई है पहाड़ी इलाकों में। वहीं पर इसका असर मैदानी इलाकों में हो रहा है, जैसे कि दिल्ली में आप देख सकते हैं कि फॉग यहां पर शुरू हो चुका है। कर्नाटक में, शिवमोगा में, राजकोट यानी गुजरात में, वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से फॉग यहां देखने को मिल रहा है। हिमांशु, आपसे यहां पर समझना चाहेंगे क्योंकि कई किसानों से बातचीत लगातार हो रही है, आप लोगों के रिपोर्ट हम देख रहे हैं, उसमें से कुछ किसान ये कह रहे थे कि हमने तो ये सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा हमें 10 दिन 15 दिन रुकना होगा, ये बहुत हो गया, और उसी हिसाब से वो सामान भी अपना लेकर आए थे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ठंड पड़ रही है, एकाएक ठंड बढ़ गई है दिल्ली में, घरों में भी तमाम इंतजाम के बावजूद हीटर चलाने पड़ रहे हैं, ऐसे में खुली आसमान के नीचे कैसे रह रहे हैं किसान? देखिए, बिल्कुल, जब मैंने यहाँ पे, एक 75 साल के बुजुर्ग थे, तरन तारण से यहाँ पे पहुंचे हैं, किसान हैं, जब मैंने उनसे अभी बात की कुछ देर पहले तो उनका ये कहना था कि वो तो किसान है, पहले उन्होंने 32 साल आर्मी में दिया और उसके बाद अब वो यहाँ आंदोलन में पहुंचे और 25 नवंबर को ही आ गए थे, तो रात में अलाव जलाते हैं और वो उसी के सहारे अपनी रात काटते हैं, खेतों में काम करते, उनका कहना। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।